हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी टिंडे की सब्जी लेकर आई हूं एंड आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, यदि रेसिपी पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में लाइक कमेंट शेयर करना भी ना भूलें। तो देखते हैं इस इंटरेस्टिंग से सब्जी को कि इसे किस तरीके से बनाया जाता है। टिंडे की सब्जी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 12 टिंडे ले लिए हैं। ये जो सब्जी मैं तैयार कर रही हूँ 6 मेंबर के अकॉर्डिंग तैयार कर रही हूँ। 2 टिंडे 1 मेंबर के हिसाब से लिए हैं। इसी तरीके से आप टिंडे लीजिएगा, काफ़ी सफिशियंट रहते हैं। अब टिंडे को छील लीजिए, पानी से धो लीजिए साफ पानी से। उसके बाद इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। मैंने सारे टिंडे डिवाइड कर लिए हैं, अब इन्हें डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए आप घी, ऑयल, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेज गैस पर हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। बहुत जल्दी से ये तल जाते हैं। जब तक हमारे टिंडे तलकर तैयार होंगे तब तक हम टमाटर को पीस लेते हैं। या मैंने 2 टमाटर 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था और इससे हम आज इसे पीसेंगे। दरदरा पीसने के लिए मुझे सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत नहीं होती है और जो सब्जियां होती हैं वो काफ़ी दरदरी सी इसमें पीस जाती हैं। गोभी के यदि पराठे आप तैयार कर रहे हो तो इसमें कच्ची गोभी को पीस लीजिए, काफ़ी बारीक इसमें पीसेगी। हरी मिर्च भी पिस जाती है इसमें और अदरक भी पिस जाता है, तो आप इसे ज़रूर से ले लीजिएगा, काफ़ी बढ़िया होता है। टमाटर हमारे पिस गए हैं, अब हमें हरी मिर्च चाहिए। यहाँ मैंने 8 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। बीच में से इसे हम चीरा लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने हरी मिर्च को सारी जितनी भी हरी मिर्च है उनको स्प्लिट कर लेंगे। यदि हरी मिर्च तीखी है तो आप हरी मिर्च की मात्रा को कम कर लीजिए, या अपने अकॉर्डिंग भी आप हरी मिर्च ले सकते हैं। तो देखिए सारी हरी मिर्चें कर ली हैं। अब हमारे टिंडों को चेक कर लेते हैं। तो टिंडे हो गए हैं कि नहीं, इसके लिए मैंने यहाँ पर चाकू से इसमें थोड़ा सा अंदर नीचे कर लिया है। चाकू आराम से अंदर जा रहा है। टिंडे तैयार हो गए, इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमें चाहिए। अब ये जो हमारा घी है इसी में डाल देते हैं हम थोड़ी सी अजवाइन। जितने भी मसाले हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर बेसन डाल दिया है। बेसन को अच्छे तरीके से भूनेंगे। कुछ सेकंड भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। ये देखिए जो हरी मिर्च है इसमें डाल देते हैं और इसे भी हम फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम अपने मसाले। आप चाहें तो हरी मिर्च निकाल ले, बाद में भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है धनिया पाउडर, साथ में डाल दिया है हल्दी, मिर्च डाल दी है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। और इसमें डालेंगे हम बाद में नमक। पहले इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से और अब डाल देंगे इसमें हम ये दरदरा किया हुआ टमाटर और अदरक का पेस्ट। इसे अच्छी तरह चलाएंगे, जब तक कि घी ना छोड़ने लगे तब तक हमें चलाना है। लेकिन उससे पहले हम इसमें डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के अनुसार। फिर डाल दीजिए इसमें भुना हुआ जीरा, साथ में डालिए इसमें गरम मसाला और अब कसूरी मेथी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए तली छोड़ना स्टार्ट हो गया है। हमें बिल्कुल इसी तरीके का पेस्ट चाहिए। जब इसमें घी रिलीज हो जाए तब इसके बाद हम आगे की प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है पानी। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी डाला है। पानी डालने के बाद अब गैस को तेज कर दीजिए और तेज गैस पर इसमें उबाल ले लीजिए। इस तरह करने से जो हमारा बेसन है वो अच्छी तरीके से फूलेगा और जो हमारी ग्रेवी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। उबाल आ गई है, इसमें डाल देंगे हम अपने टिंडे जो हमने फ्राई किए थे और अब इसे पकने देंगे। तो पकने के लिए मैंने यहाँ पर ढक दिया है और स्लो गैस पर इसे लगभग 10 से 15 मिनट पकाएंगे। चेक कर लेते हैं, ग्रेवी हमारी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। ये देखिए घी छोड़ना स्टार्ट हो गया है। तो इस स्टेज पर हम सब्जी को थोड़ा सा चलाएंगे। वैसे मैंने यहाँ पर बीच बीच में इसे चलाती रही थी, क्योंकि जो बेसन होता है वो नीचे तली में थोड़ा सा चिपकता है। गैस को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने कैसरोल भी निकाला है जिससे हमारी सब्जी काफ़ी देर तक गर्म बनी रहे और बहुत ही टेस्टी बेसन वाली हरी मिर्च और टिंडे की सब्जी बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं चपाती के साथ, पूड़ी, नान या किसी भी चीज़ के साथ। यहाँ तक कि आप इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए सब्जी को एंजॉय करते हैं खाकर। और फ्रेंड्स, यदि आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे यूट्यूब चैनल शालिनी जैन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह नई रेसिपी में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। वीडियो बनाते समय मेरे कुछ फनी मोमेंट्स।